नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती लेसन 1.5 अ कबड्डी मैच का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी, आपके टेक्स्ट बुक में प्लीज़ इधर देखिएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटर्स में देखो, क्वेश्चन है फॉर्म पेयर्स, आपको पेयर्स फॉर्म करने हैं और फिर मेक अ लिस्ट एज मैनी लिस्ट ऑफ एज मैनी गेम्स एज यू कैन, यानी आपको ना गेम्स की लिस्ट बनानी है जितनी भी आप बना सकते हो, एटलीस्ट 25 गेम्स की तो लिस्ट आप बनाओगे, ठीक है। देन क्लासीफाई द गेम्स यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आपको क्या करना है, उन गेम्स को क्लासीफाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडोर और आउटडोर गेम्स, आपको आप बताओ, क्लासीफाइड करो कि कौन से गेम्स इंडोर हैं कौन से आउटडोर हैं। इंडोर और आउटडोर मतलब क्या होता है, इंडोर मतलब जो हम घर में भी खेल सकते हैं और आउटडोर मतलब जो खेलने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। ओके, गेम्स प्लेड विथ एंड विदाउट इक्विपमेंट, अभी कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको खेलने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको खेलने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, राइट। तो विथ इक्विपमेंट यानी आपको कुछ चाहिए होता है, विदाउट इक्विपमेंट मतलब कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लासीफाइड करना है। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मैंने क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पे इसका आंसर है इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स कौन कौन से हैं, चेस, कैरम, बैडमिंटन, ये सभी हम घर के अंदर खेल सकते हैं, राइट। आउटडोर गेम्स में क्या क्या आ जाएगा, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा। फिर वो गेम्स जिनको खेलने के लिए हमको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। और विदाउट इक्विपमेंट हम क्या क्या खेल सकते हैं, तो कबड्डी खेल सकते हैं, रेसलिंग, उसके बाद स्विमिंग एक्सेट्रा। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्लासिफिकेशन देखिएगा, गेम्स 1-1 और टीम। देखो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो जिसमें अगर आप बस दो लोग रहोगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें दो लोग मिलकर के उस गेम को नहीं खेल सकते, ठीक है। तो 1-1 कौन से गेम्स होते हैं, यानी बस दो लोग रहेंगे तो चलेगा, तो रेसलिंग हो सकता है, बॉक्सिंग और चेस, ठीक है, इसमें अगर दो लोग रहे तो भी चलेगा। और टीम मतलब कौन से गेम्स खेलने के लिए हमको टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे गेम्स खेलने के लिए हमको टीम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपने देखा ऊपर यहाँ पे हमने इंडोर और आउटडोर क्लासिफाइड किया था, फिर विथ इक्विपमेंट और विदाउट इक्विपमेंट, और फिर यहाँ पर अगला था 1-1 और टीम। ओके, तो यहाँ पे तो ये कम्प्लीट हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कबड्डी मैच एंड डू द फॉलोइंग, अभी जो कबड्डी मैच का डिस्क्रिप्शन है उसे आपको रीड करना, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मतलब ए, नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स एंड से वेदर ईच वन बिलोंग्स टू 9th A और 9th B, यानी जो भी प्लेयर्स है उनके नेम्स आप नोट डाउन करो, ठीक है, और फिर बताओ वो 9th A के थे कि 9th B के, ठीक है। तो प्लेयर्स फ्रॉम 9th A कौन कौन से थे, कौन कौन थे, गोविंद, मंगेश, सोहम, विवेक। और प्लेयर्स फ्रॉम 9th B कौन कौन थे, तो सुरेश, रवि, मोहन, विनोद, अजिंक्य, मिहिर। ओके, समझ आया। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मतलब बी, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द फर्स्ट हाफ, अभी आपको अपने वर्ड्स में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो भी थे उन्हें आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो एक बार मैं फटाक से रीड भी कर देती हूँ। द मैच बिगेन विथ 9th A विनिंग द टॉस, दे सेंट देयर रेडर गोविंद हु स्विफ्टली टच सुरेश फ्रॉम 9th B एंड स्कोर्ड अ पॉइंट, देन 9th B सेंट देयर रेडर एज प्लेयर रवि, रवि रेसल डाउन मंगेश अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर फ्रॉम 9th A, हाउ एवर मंगेश सेव्ड हिमसेल्फ, ही स्कोर 3 points फॉर हिज टीम एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वर होल्डिंग हिम वर डिक्लेयर्ड आउट, देन मिहिर फ्रॉम 9th B मैनेज टू टैक सोहम फ्रॉम 9th A, आफ्टर दिस केम विवेक रेड, द रिमेनिंग 3 players फ्रॉम 9th B कॉट हिज आर्म एंड ट्राइड टू पुल हिम बैक, बट ही वेंट अक्रॉस द मिड लाइन विथ द एंटी रेडर्स हैंगिंग ऑन टू हिज आर्म, दस द होल ऑफ 9th B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट। ओके, सो दिस वॉज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, राइट इन योर ओन वर्ड्स वॉट हैपन इन द सेकेंड हाफ, अभी आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि सेकेंड हाफ में क्या हुआ था। तो इसका आंसर देखो, इन द सेकेंड हाफ द 9th A टीम वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि एंड वन द मैच। ओके,
डी है यहाँ पे डी, देखो चूज एनी वन इवेंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो वॉट हैपेंड। अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक इवेंट ना चूज करना है और फिर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और मतलब बताना है कि क्या हुआ था। ओके, डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है बच्चों। ओके, सो डू इट योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द वर्ड्स स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी। अभी कबड्डी के गेम में जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं स्पेशली, उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, वर्ड्स स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी आर रेड, रेड का रेड वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद रेडर्स, फिर एंटी रेडर्स, टैग, आयना, मिड लाइन। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लिया, अभी चौथा क्वेश्चन। फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेज फाइंड द अदर नेम्स बाय विच कबड्डी इज नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड द वर्ल्ड। अभी देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे आपको इंटरनेट की सहायता से ये पता करना है कि जो कबड्डी होता है ना, इसको अलग अलग पार्ट्स में, हमारी हमारे जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके अलग अलग राज्य हैं, तो उन पार्ट्स में कबड्डी को और क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, कबड्डी का बस कबड्डी ही नाम नहीं है, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो किन किन नामों से जाना जाता है किन किन जगहों पर, वो बता रहे। ठीक है, तो देखिएगा, कबड्डी इज़ नोन एज हुदूदू इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये किस नाम से जाना जाता है बच्चों, हुदूदू। ठीक है, और बाई बला इन मालदीव्स, मालदीव्स में ये बाई बला नाम से जाना जाता है, बाई बल्ला। ठीक है, और चेडुगुडू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसको चेडुगुडू नाम से जाना जाता है, और साडुगुडू इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको साडुगुडू नाम से जाना जाता है, और हुतूतू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हुतूतू। ठीक है, और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, कबड्डी, है ना, कबड्डी 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 खेलते हो कि नहीं, चलो देखते हैं, कमेंट करके बताना अगर खेलते रहोगे तो। वैसे बड़ा मज़ा आता है कबड्डी खेलने में, जब मैं भी छोटी थी ना, बहुत कबड्डी खेला करती थी। चलो आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नीडेड टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ कबड्डी, व्हाट शुड यू डू टू डेवलप इट, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स ऑफ फाइव एंड राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन इट। अभी आपको क्या करना है, सुनिएगा, अगर आपको गुड प्लेयर बनना है कबड्डी का, तो कौन कौन सी विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, और उनको डेवलप करने के लिए मतलब आपको क्या करना चाहिए, इसे आपको डिस्कस करना है और फिर लिखना है, बताना है। ओके, तो इसका आंसर तो आपके सामने है, देख सकते हो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, क्या क्या चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए, नहीं तो गए आप कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते दूसरे के टीम में गए, उन्होंने आपको पकड़ लिया, आप भाग ही नहीं पाए, क्योंकि आपका हेल्थ ही बेकार है ना। क्योंकि देखो, जब हम कबड्डी खेलते तो हमको सांस रोक करके जाना पड़ता है, अगर आपने कबड्डी खेला होगा तो आपको पता होगा सारे खेल के नियम तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर जाएंगे तो सांस हमको मतलब सांस तोड़नी नहीं होती, तो अगर आपका हेल्थ ही बेकार रहेगा तो आप कैसे, सांस तो आप तोड़ दोगे बीच में, फिर तो पूरी टीम आउट है ना, हरा दोगे अपनी टीम को, इसीलिए आपका गुड हेल्थ होना चाहिए। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपके मसल्स भी मजबूत होने चाहिए, ताकि कोई आपको पकड़े तो आप भाग पाओ, मिड लाइन को टच कर पाओ, राइट। फिर स्ट्रेटेजिक स्किल्स आपके अंदर वो भी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्किल्स भी होनी चाहिए कि किस प्लेयर को कब भेजना है, कैसे क्या करना है ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ग्रेट डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। द गेम कॉल्स फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक रिस्पॉन्सेज फॉर अ सिंगल प्लेयर टू टेक ऑन 7 ओपोनेंट्स इन नॉट एन ईजी टास्क, इट रिक्वायर्स डेयर एज वेल एज एन एबिलिटी टू कंसनट्रेट एंड एंटिसिपेट द ओपोनेंट्स मूव्स टू अचीव दिस गोल्स, अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम अ स्कूल गर्ल्स डायरी। यहाँ पे ये जो नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ो, एक स्कूल गर्ल की डायरी का नोट है, प्लीज़ इसको रीड करना। उसके नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है, राइट डायरी एंट्रीज फॉर द इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन योर स्कूल, राइट एटलीस्ट 3 एंट्रीज। अभी आपको क्या करना है बच्चों, डायरी एंट्रीज करनी है, एटलीस्ट 3 करनी है, मतलब आपके स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ उसके बारे में आपको लिखना है, जैसे डायरी में कुछ नोट करते ना उसी प्रकार से,
एटलीस्ट 3 इवेंट्स के बारे में तो आप लिखो ही जो आपके स्कूल में हुआ हो। तो पहले इवेंट के बारे में हमने लिखा है 26 नवंबर, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रीड नहीं करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद 11 दिसंबर का लिखा है, इसको भी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो, आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट 16 दिसंबर का लिखो, ओके। चलो, 6 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से देखेंगे। यस, लैंग्वेज स्टडी डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो इसमें क्या दिया गया है, वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू शो कंपेरिजन, दे आर नोन एज डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ओके, मतलब कंपेयर करने के लिए हम लोग डिफरेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के ना अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करते हैं फॉर कंपेरिजन। ओके, जब उनको कंपेयर करना रहता है तो उनको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहते हैं, ठीक है। तो कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो तो आप जब आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा, मतलब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी डायरेक्टली यहाँ पे कुछ दिया गया है, चलो देखते हैं। मंगेश वॉज स्ट्रांग एज रवि, शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया है क्या, 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, देखिएगा इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, और फिर यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ कंपेरिजन लिखा हुआ है, जैसे कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, तो स्विफ्ट का स्विफ्टर होगा कंपेरेटिव में, और स्विफ्टेस्ट होगा सुपरलेटिव, ठीक है। उसी प्रकार से पॉजिटिव कॉन्फिडेंट होगा, कंपेरेटिव क्या होगा, मोर कॉन्फिडेंट, सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट कॉन्फिडेंट। ओके, उसी प्रकार से स्ट्रांग, मोर स्ट्रांग, स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट। ओके ओके ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होगा देन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। रुको 1 मिनट, मैं आपको बता देती हूँ। लिसन, पहले आप स्ट्रॉन्ग लिखोगे, देन आप स्ट्रॉन्गर लिखोगे, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लिखना। ओके, सो दिस वॉज माई मिस्टेक, समझ में आया ना। मोर पॉपुलर इसमें नहीं आएगा, मोर पॉपुलर में बताती हूँ कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सो प्लीज़ इसको करेक्ट करना। ओके, अभी पॉपुलर है ना, तो पॉपुलर अभी सेकेंड वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, मोर पॉपुलर और फिर लास्ट में मोस्ट पॉपुलर। सब कुछ ठीक है, सुनो सब कुछ ठीक है, बस इधर ये देखो, मोर पॉपुलर को इधर नीचे लिख देना, स्ट्रॉन्गर को ऊपर, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है, इसको इधर कर देना, इसको इधर, इंटरचेंज कर देना दोनों को, इसको इसमें, इसको इसमें, बस खत्म। माइटी का माइटियर होगा माइटीएस्ट, फिर सक्सेसफुल का मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, हेल्दी का हेल्दियर हेल्दीएस्ट, ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ओके, तो इसको नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो यहाँ पर। ओके, इसे आपको कंप्लीट करना है, देखो ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं ना, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, वो भी आप देखना है। यहाँ पे पॉजिटिव जो दिया था उसका हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आप देखना है। यहाँ पे देखो, द प्रिंसेस वॉज एज डेलिकेट एज अ फ्लावर। देखो जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, उसमें ये आता है एज, एज करके आता है, ठीक है। और जो कंपेरेटिव उस होता है ना, उसमें देन आता है, और सुपरलेटिव में मोस्ट और मोर का यूज़ किया जाता है। ओके, वन ऑफ द आता है ऐसा कुछ। ओके, तो ये सारे कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे, अभी तो आपको वो रूल्स नहीं दिए, या फिर आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा, ग्रामर की टेक्स्ट बुक होती है ना उसमें। ओके, तो वैसे तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। पहले में आप क्या क्या लिखोगे, तो डेलीगेट और फ्लावर लिखना, फिर दूसरे में आप क्या लिखोगे, प्रिटियर और हर सिस्टर, दिखाई दे रहा है ना। देखो जो अंडरलाइन है ना, वो हमने लिखा है, बाकी सब कुछ तो दिया गया था, जैसे यहाँ पे डेलीगेट और फ्लावर, फिर प्रीटियर और हर सिस्टर, फिर यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल द वुमेन इन द विमेन इन द कंट्री। ओके, तो इसको अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, मतलब ये सारी चीज़ें हमने लिखी है।
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपेरिजन बाई इट। अभी यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए इन्हें आपको रीड करना है और फिर बताना है कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री है, कौन सा कंपेरेटिव, कौन सा सुपरलेटिव। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव है ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, फिर बेड वॉज वर्स्ट। तो ये है पॉजिटिव, ये है कंपेरेटिव, ये है सुपरलेटिव। यहाँ पे देखिए हमने टेबल वाइज पूरा अच्छे से लिखा है, गुड क्या है पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव में लिखा, बेटर क्या है कंपेरेटिव, सुपरलेटिव क्या है इसमें बेस्ट, उसके बाद बैड वॉज वर्स्ट, ठीक है, बैड है पॉजिटिव, कंपेरेटिव क्या है वर्स्ट और सुपरलेटिव क्या है वर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने जो आपका लेसन था 1.5 इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।